साउथ अफ्रीका में वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। टी20 रैंकिंग में नंबर 8 की टीम श्रीलंका ने नंबर 4 पर काबिज साउथ अफ्रीका को उसके घर में 3 रन से हराकर वर्ल्ड कप को पहले दिन से रोमांचक बना दिया है। वहीं ग्रुप बी में मौजूद टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच से कर रही है। इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान की टीम भले ही कमजोर नजर आ रही है, लेकिन हल्के में लेना इंडिया के लिए बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि 2022 में हुए एशिया कप में पाकिस्तानी टीम इंडिया को हरा चुकी है। नमस्ते, मैं शिवम हूं और आप हैं मंच पर। हरमनप्रीत कौर की कैप्टेंसी में इंडियन वुमेन्स टीम केपटाउन के न्यूलैंड्स में पाकिस्तान से भिड़ रही है। इंडिया के पास स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिक्स और हरलीन देओल जैसे धाकड़ बल्लेबाज हैं, तो वहीं दीप्ति शर्मा, शिखा पांडे और रेणुका सिंह जैसा बढ़िया बॉलिंग लाइनअप। इंडिया का प्लस पॉइंट इस टी20 वर्ल्ड कप में ये है कि शेफाली शर्मा और ऋचा घोष दोनों ही इस बार के अंडर 19 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का हिस्सा रही हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था, इसलिए दोनों ही खिलाड़ी वहां की पिचों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो इस टीम की मजबूत कड़ी है कप्तान मिसबा मारूफ और निदा डार। बिस्मा शानदार बैटिंग के लिए जानी जाती हैं, वहीं बॉलिंग ऑलराउंडर निदा डार से इंडिया को ज़्यादा बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि निदा ताबड़तोड़ बैटिंग तो करती ही हैं, साथ ही गजब की बॉलिंग भी करती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 क्रिकेट में इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है। बीते 13 मुकाबलों की अगर बात करें तो इंडिया ने 10 मुकाबले जीते हैं, वहीं पाकिस्तान को 3 मुकाबलों में जीत मिली है। साल 2009 में शुरू हुए विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का ये 8वां संस्करण है। इससे पहले 7 में से 5 ऑस्ट्रेलिया ने और 1-1 इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने खिताब पर अपना कब्जा जमाया है। बीते साल टी20 वर्ल्ड कप पर अगर नजर डालें तो अभी तक एक बार भी टीम इंडिया खिताब नहीं जीत पाई है। पिछली बार 2020 में घर में हुए वर्ल्ड कप में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में हराकर ट्रॉफी जीतने का सपना तोड़ दिया था। आपको क्या लगता है, इंडियन विमेंस टीम पाकिस्तान को हराकर अपने वर्ल्ड कप अभियान की शानदार शुरुआत कर पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।